Assalamu alaikum, my dear friends, my dear viewers, once again in Candle of Knowledge. दोस्तों आज मैं एक बार फिर आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ जो बेल आइकॉन है इसको भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों आज के टॉपिक में, आज के इस लेक्चर वीडियो में मैं आपके लिए जो टॉपिक्स लेकर आया हूँ वो टॉपिक्स है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज मैं आपके लिए 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच लाया हूँ। तो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर का सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में आपको हर चीज़ के बारे में, हर ग्रामर के, हर टॉपिक्स के बारे में एक एक वीडियोज़ अवेलेबल है। तो आप वहाँ से अपनी तैयारी एक के बाद एक वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। अपने टॉपिक्स हमारा आज क्या है और हम क्यों इस टॉपिक को सीखना चाह रहे हैं, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए। दोस्तों इस टॉपिक को हम इसलिए सीखना चाहते हैं क्योंकि हम इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं और इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए सबसे पहले बेसिक जो हमारे पास है वो है, होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने आज स्टार्ट की है तो इंशाल्लाह 2 वीडियोज़ में पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर बनाऊँगा और जिसमें सबसे पहले 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, उसके बाद 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। और इसके अलावा जो हमारे पास आर्टिकल है ए एन डी, इसके ऊपर भी मैं एक तीसरी वीडियोज़ बनाऊँगा आपके लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आज के वीडियो में हमारे पास आपके लिए क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है नाउन। दोस्तों नाउन को क्या कहते हैं उर्दू में? इसम। इसम नाउन का डिफिनेशन क्या है? नाउन इज अ वर्ड, इज अ लैटिन वर्ड। दोस्तों नाउन जो है ये हमारे पास एक लैटिन वर्ड है। वो वर्ड क्या है? वो वर्ड दोस्तों है नोमेन। तो दोस्तों लतीनी जबान में नाउन को नोमेन कहते हैं, विच कन्वर्ट, जो कन्वर्ट किया गया, जो तब्दील किया गया एंड टू नेम, जो बाद में नेम है उसको कन्वर्ट किया गया। और इसके बाद ये जो नेम है इज यूजुअली डिफाइन अ वर्ड। दोस्तों ये नेम जो है ये आमतौर पर एक वर्ड को डिफाइन करती है, एक वर्ड की वजाहत करती है, रिलेटेड इन एक्शन एंड फंक्शन, जो हमारे पास एक काम की पहचान हमें देती है और जो हमारे पास एक्शन जो अमल होते हैं और उसकी पहचान हमें देती है इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में। तो दोस्तों सेंटेंस हमारे पास कोई भी हो सकता है। सेंटेंस में हमारे पास कोई वर्ड्स हमें कोई फंक्शन के बारे में बता रहा है, कोई अमल के बारे में बता रहा है। तो फंक्शन एक्शन जो हमारे पास होते हैं तो उसके लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो वर्ड्स हमारे पास कहलाते हैं नाउन। तो नाउन के एग्जांपल्स हमारे पास क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि टेबल, डेस्क, मेज, ये सारे के सारे जितने हमारे पास है ये नाउन हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखे हैं कि एग्जाम्पल, यहाँ पर कार हमारे पास नाउन हो सकता है बल्कि ये नाउन है, मैं, आदमी, मैन के अलावा वो मैन भी है, वो भी हमारे पास, चाय, चिल्ड्रन वगैरह, ये हमारे पास नाउन कहलाते हैं। डोर है, असलम है, और इसके बाद हमारे पास जो पांचवा है वो है नेम है, एक हमारे पास असद। तो इसके बाद एक पेन जो हमारे पास होते हैं, पेन होता है, मार्कर होता है, पेंसिल होते हैं, तो ये हमारे पास भी ये नाउन कहलाते हैं। तो एरोप्लेन जो जहाज है, जहाज जो है ये भी हमारे पास एक नाउन है। तो दोस्तों इसके बाद अब नाउन तो हो गया, नाउन के बाद प्रोनाउन है हमारे पास। तो प्रोनाउन दोस्तों, प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों? तो दो प्रोनाउन दोस्तों ये बहुत आसान सी डेफिनेशन है इसकी। अगर मैं उर्दू में आपको बताऊं कि प्रोनाउन क्या होता है, दोस्तों एक वर्ड्स जो सब्जेक्ट, मतलब जो कि हमारे पास नाउन होता है, एक नेम की जगह इस्तेमाल हो, जो हमारे पास एक वर्ड्स हो जो प्रोनाउन हो सकता है, ये हमारे पास अगर किसी नेम के बजाय इस्तेमाल की जाए तो ऐसे वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं। तो दोस्तों वो वर्ड्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल इंग्लिश में हम कहते हैं कि, सबसे पहले तो मैं आपको इसका डिफिनेशन बताऊँ। यहाँ पर इसका डिफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज एन आइडेंटिफाई, एक प्रोनाउन जो हमारे पास होते हैं वो शनाख्त करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है अ वर्ड, एक वर्ड्स की, एक अल्फाज की आइडेंटिफिकेशन करता है, विच इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। दोस्तों इस पूरे सेंटेंस में ये बात इंपॉर्टेंट है, आपने ये बात याद रखनी है, इंस्टेड का मतलब होता है की बजाय। तो दोस्तों ये जो हमारे पास है इंस्टेड, दोस्तों इस इंस्टेड का मतलब है की बजाय, लेकिन
इस सेंटेंस में मैं आपको बताऊं कि इस सेंटेंस में हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये पूरा पूरा जो डिफिनेशन है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा लफ्ज जो किसी नाउन के बजाय एक नेम के बजाय इस्तेमाल हो वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोनाउन। तो दोस्तों प्रोनाउन भी हो गया। प्रोनाउन की एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, प्रोनाउन की एग्जांपल्स ये हैं ही शी इट वी आई यू एटसेट्रा। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंग्लिश में हमारे पास ये प्रोनाउन है ही शी इट, ये तीनों जो हमारे पास हैं ये हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और इसके बाद हमारे पास ये जो है वी आई यू जो जो यू है ये हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और आई और वी जो है ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। बाकी ये जो हमारे पास जो है ये भी हमारे पास कहलाती है क्या, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो दोस्तों ये हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और इसके अलावा आई और यू हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और यू जो है हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ओनली यू। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे पास नाउन एंड प्रोनाउन, और इसके बाद हमारे पास क्या हो गया है, इसके बाद हमारे पास है वर्ब। दोस्तों अब वर्ब क्या होता है, दोस्तों वर्ब हमारे पास उर्दू में कहलाता है फेल। फेल हमारे पास वो होता है, इसको हम उर्दू में आसानी से कह सकते हैं कि कोई ऐसा लफ्ज जो काम हो। फॉर एग्जांपल काम कैसे हो सकता है, तो इसको उर्दू में हम कैसे पहचानेंगे। दोस्तों उर्दू में इसकी पहचान ये है कि अगर कोई वर्ड्स है जिसके लास्ट में आपके पास अलिफ ना हमारे पास उसमें अगर आएगा तो वो वर्ड्स हमारे पास कहलाएगा ये वर्ब। तो दोस्तों अगर पश्तो में हम बात करें कि पश्तो में वर्ब की पहचान हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं पश्तो का एक सेंटेंस बोलता हूँ कि कोई भी सेंटेंस में बोल लेता हूँ उसमें अगर कोई वर्ड्स है उसका उसके लास्ट में लाम आता हो तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं, वर्ब। तो फॉर एग्जांपल पश्तो में मैं कहता हूँ कि फड़ल लंबीदल और इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, तो ऐसे वर्ड्स हमारे पास पश्तो में कहलाते हैं ये हमारे पास काम इंग्लिश में है हमारे पास कहलाते हैं वर्ब। तो उर्दू में कैसे पहचान करेंगे इसका, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि लिखना पढ़ना सीखना, तो इस सारों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नून अलिफ ना आता है, तो ये हमारे पास पहचान होती है कि वर्ब हम कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों इसका डिफिनीशन क्या है वर्ब का, अ वर्ब वर्ब इज द नेम द एक्शन एंड सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब। दोस्तों ये यहाँ पर ये कहता है अ वर्ब वर्ब इज द नेम द एक्शन, ये कहते हैं ना दोस्तों कि एक वर्ड्स एक लफ्ज जो हमारे पास वर्ब को वो डोनेट करता है, क्या डोनेट करता है, द एक्शन। दोस्तों वो वर्ब हमारे पास एक्शन हमारे पास होता है, एक काम होता है। तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन का मतलब यही है कि एक सब्जेक्ट है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट काम करता है वो सब्जेक्ट के काम करने करना जो होता है वो काम को यहाँ पर ये कहते हैं कि इसको वर्ब कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, गो ईट ड्रिंक। तो दोस्तों ये तीनों इसके एग्जाम्पल है, इसके अलावा हमारे पास है ब्रिंक सी बात। बात का मतलब होता है लाना, सी का मतलब होता है देखना, ब्रिंक का मतलब होता है लाना, गो का मतलब होता है जाना, ईट का मतलब होता है खाना, ड्रिंक का मतलब होता है पीना। तो दोस्तों हमारे पास कितनी भी बहुत सारे वर्ब्स हमारे पास मौजूद हैं, तो ये कहलाते हैं वर्ब जिसकी पहचान उर्दू में नून अलिफ ना हो और पश्तो में लाम आता हो, तो ये हमारे पास कहलाते हैं कि ये वर्ब है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडवर्ब, अब ये लास्ट हमारे पास जो पूछता है वो है एडवर्ब। तो एडवर्ब हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, एडवर्ब को जिसे कहते हैं मुतलकी फाइल जो आपको फेल मुतलकी फेल जो आपको फेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे वो कहलाता है एडवर्ब। इंग्लिश इसका डिफिनेशन यही है, अ वर्ड विच इज मॉडिफाइड द वर्ड इज कॉल्ड एडवर्ब। दोस्तों इसका मतलब ये है कि एक लफ्ज जो आपको एक वर्ड को मॉडिफाई करे, एक वर्ड को आपको नजरसानी करे उस वर्ड के ऊपर, आपको उस वर्ड के बारे में कुछ बताए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं, एडवर्ब। जो वर्ब के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है तो इसको क्या कहते हैं, वो एडवर्ब। तो इसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, इसकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं अली प्लेज ब्रेवली। दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर जो अली है ये हमारे पास एक
नाउन है और प्लेस हमारे पास एक वर्ब है। प्लेस हमारे पास प्लेस का एस आया है, एस ये इसका कांसेप्ट रिव्यू में हमने बनाई है। अगर आप लोगों ने ये देखी है एस एंड ई एस कांसेप्ट में आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपकी कंफ्यूजन मिट जाएगी कि एस एंड ई एस ये हम कहाँ पर और किस वर्ब के साथ हम ये लगा सकते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए या फिर प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में हम कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों अली प्लेस ब्रेवली, अली खेलता है कैसे ब्रेवली, ब्रेवली का मतलब होता है बहादुरी से। तो इसके बाद हमारे पास क्या होते हैं दूसरे नंबर इस एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो पहले एग्जाम्पल में आपने देखा अली प्लेस ब्रेवली, ब्रेवली का मतलब होता है बहादुर। यहाँ पर एक वर्ड जो जुमला हमारे पास है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के लिए हुआ है, तो ये हमने कैसे पहचानी, ये हमारे पास यहाँ पर वर्ब के साथ एस आया है तो इससे हमें पहचान होती है कि ये हमारे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का कंटेंट है। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर आपके पास एग्जाम्पल में वो है शी गोस स्लो, जाती है स्लोली। तो यहाँ पर सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से लिया गया है तो ये इसका मतलब होता है कि वो स्लो जाती है, मतलब वो कोई मतलब कोई जाती है, कोई लड़की है वो एक जैसे दूसरी जगह जाती है तो उसके लिए हम यहाँ पर गोज इस्तेमाल किया है और गोज हमने सी एस लगाया है। तो दोस्तों ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ किस वर्ड की तरह ई एस लगाएंगे और किस वर्ड की तरह हम एस लगाएंगे। तो अगर आपको ये कंफ्यूज करता है कि किस वर्ड के साथ एस लगाएंगे किस वर्ड के साथ ई एस लगाएंगे तो इसकी पिछली वीडियो मैंने बनाई है कंसेप्ट ऑफ एस एंड ई एस, तो वो आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अगर आपको वाकई में इसमें कन्फ्यूजन है तो वो वीडियो देखने के बाद आपकी कन्फ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। तो दोस्तों ये चारों हमारे पास आज के लिए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के चार पहले वीडियोस की चार जो मैंने आपको बताए, जिसमें सबसे पहले क्या है नाउन प्रोनाउन वर्ब एंड एडवर्ब। तो इसके बाद में इसका दूसरा पार्ट अपलोड करूंगा और उस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बाकी की चार हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आज के लिए हमारे पास आपके लिए यही था, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।